हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, वेलकम बैक। थैंक्स फ्रेंड्स, पहले आपने पहली वीडियो को बहुत लाइक किया, अब आपने दूसरी वीडियो को भी बहुत लाइक किया। काफ़ी अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स हैं और आपसे इंकरेज हो गया हम अपनी नई वीडियो और आपके सामने लेके आए हैं। कल की वीडियो में मदर्स डे स्पेशल में जो हमारा मेन्यू था, अनफॉर्चुनेटली हम उसको खा नहीं पाए। उसके पीछे क्या स्टोरी है मनप्रीत आपको बताएगी। एक्चुअली फ्रेंड्स, हमारे साथ क्या हुआ कि हम लोग सब्जियां लेकर आए और जब हमने सब्जियां काटी तो वो सब खराब थी। और एक्चुअली टाइम आजकल ऐसा चल रहा है लॉकडाउन का कि 5 to 7 ही आपको सब्जियां मिलती है हमारे यहाँ पे, जैसे हमने आपको कल बताया था वेजिटेबल मार्केट, वो कटी और वो सब करते करने में ही हमारा टाइम इतना बीत गया। और जब तक हमें रियलाइज हुआ कि सारी सब्जियां खराब है, तब तक टाइम अप हो चुका था, सब्जियां मार्केट सारी बंद हो चुकी थी, तो इसलिए हम खा नहीं पाए। तो डिनर में तो हमने पीली दाल खाई, पर जो पाव बनते हैं हमने सुबह उसको ब्रेकफास्ट में यूज किया, हमने उसका देसी बर्गर बना दिया। उसकी आपसे हम पिक शेयर करेंगे। टेस्टी था, काफी अच्छा था, हमने उसको वैसे यूज किया। कल की वीडियो में एक सजेशन आया था, मेरे कुलीग हैं अब्दुल, काफी अच्छे मेरे फ्रेंड भी रह चुके हैं, अभी भी मेरे फ्रेंड हैं, लास्ट प्रोजेक्ट में हमने एक साथ काम किया था, तो उनका एक फीडबैक था। हमने कोशिश करी है उनके फीडबैक पे इस बार वर्क करने की। और अब्दुल भाई, प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना और बताना कि आपको इम्प्रूवमेंट लगी या नहीं लगी। और थैंक यू, आपने सजेशन दिया हमें। हम चाहेंगे कि आपको अगर कुछ भी कमी लगती है, कुछ भी आप सजेस्ट करना चाहते हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि हम उस पर वर्क कर पाए। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है टेक्नोलॉजी। आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। आज के दिन 98 में पोखरान में हमने सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तो एक बहुत बड़ा दिन है इंडियन हिस्ट्री में। सल्यूट टू ऑल द साइंटिस्ट एंड ऑल द सपोर्ट स्टाफ। और इसके रिगार्डिंग आज हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। टेक्नोलॉजी आजकल हमारी लाइफ से बिल्कुल जुड़ गई है। 24 hours वी आर कनेक्टेड टू सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हम रात को सोते भी हैं तो हम अपनी फ़ोन की स्क्रीन या फिर टीवी की स्क्रीन देख के सोते हैं। और इनफैक्ट सुबह उठते भी हैं तो फ़ोन के अलार्म से जनरली सब उठते हैं। रात को सोते हुए भी हमारे रिस्ट पे रिस्ट बैंड होता है जो हमारी नाइट मॉनिटरिंग वगैरह कर रहा होता है एक्टिविटी। तो टेक्नोलॉजी से हम बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और सिचुएशन तो ये है कि पहले स्कूल में मुझे पहला फ़ोन मिला था, अगर मैं सही गेस कर पा रहा हूँ, मुझे सही ध्यान आ रहा है, मुझे कॉलेज सेकेंड ईयर में आई थिंक नया फ़ोन मिला था। हाँ, सेकेंड ईयर में मुझे फ़ोन मिला था। कब मिला था बताओ? मुझे शायद सेकेंड ईयर में मिला था। फर्स्ट ईयर में मिल गया था। और मुझे एक इंसिडेंट भी याद है, हम 11th में थे, मेरी क्लास में एक था मनीष, वो नोकिया का 1100 वाइट लाइट वाला फ़ोन बड़ा चला था, उसके पापा ने शायद उसको गिफ्ट किया होगा, वो स्कूल में लेके आया था और किसी ने उसकी शिकायत लगा दी थी। टीचर ने उसके पेरेंट्स को बुलाया, अच्छी खासी डांट लगाई और 7 दिन उसको रेस्टिगेट वगैरह भी सस्पेंड भी किया गया था। पर आज सिचुएशन देखो कि बिल्कुल डिफरेंट है। अब स्कूल बंद हो गए हैं, लॉकडाउन है, टीचर्स खुद इंसिस्ट करते हैं कि आप फ़ोन पे पढ़ाई करो, लैपटॉप पे पढ़ाई करो। तो आजकल और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो इतना चेंज आ गया जनरेशन टू जनरेशन। आजकल हम फ़ोन से टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड ही हैं। पर बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी खैर अच्छा तो बहुत है, उसमें बहुत से एडवांटेजेस हैं, बट अगर उसका हम मिसयूज़ करें या एक्सेस यूज़ करें तो हार्मफुल भी है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ हार्मफुल। तो आज हम कुछ आपको तरीके बताएंगे, कुछ हम जो आप अर्ज के साथ करते हैं, उसका दिन काफ़ी बड़ा हो गया क्योंकि अब वो स्कूल नहीं जा रहा क्योंकि लॉकडाउन है, तो पूरा दिन वो कैसे मैनेज करता है, कैसे हम उसका स्क्रीन टाइम लिमिट करते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज उसके साथ करते हैं, आज हम उसकी आपको कुछ टिप्स देंगे। आप देखिए, अगर आपको पसंद आते हैं तो आप बताइए। और आप भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखना कि आप अपने, अगर आपके घर पर छोटे बच्चे हैं, आप उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, हमें स्क्रीन टाइम बच्चों का कंट्रोल करना है और हम बच्चों को बाहर भी नहीं लेकर जा सकते हैं। ये कुछ आइडियाज़ हैं छोटे मोटे जो आपको शायद अच्छे लगे, आप भी अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। बच्चा हमारा भी काफ़ी एक्टिव है, टचू काफ़ी एक्टिव है, ये इसको कंट्रोल करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तब ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, देख ले फ़ोन, बट इट डजंट मीन कि 24/7 आप बच्चे के हाथ में फ़ोन छोड़ो या फिर बच्चे को एवरी टाइम आप कार्टून देखने दो। तो हमने इसका स्क्रीन टाइम काफ़ी हद तक लिमिट कर रखा है, पर तब जब लगता है कि बहुत इरिटेटिंग है, हो रहा है या कोई नहीं है खेलने के लिए, वैसे तो इसके फ्रेंड्स हैं या नेबर में,
हमारे जो नेबर्स हैं उनके बेटे बच्चा है, एक बेटा और बेटी है जो अर्श के एज के ही हैं, तो काफी हमारा उनके साथ है, ये उनके साथ काफी घुल मिल के खेलता है, बट स्टिल बच्चा हर टाइम तो किसी के घर जाके खेल नहीं सकता और हर टाइम वो भी हमारे घर आके नहीं खेल सकते। सो इसलिए हमने कुछ जो इसके लिए एक्टिविटीज बनाई हुई हैं जो ये खेलता है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आज। तो देखिए अर्श की एक्टिविटीज़ कैसे हम इसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, प्लीज़ देखिए। इवन अभी भी ये आपको दिखाएगा कि कैसे ये इस वक्त अभी डायनासोर की तरह रेडी हो रहा है, तो हम आपको भी दिखाते हैं। और बच्चों को टैकल करने का एक ही तरीका, आपको बच्चों के साथ कमिश बच्चा बनना ही पड़ेगा, नहीं तो वो आपके साथ नहीं खेल पाएंगे। बिल्कुल नहीं खेल पाएंगे। ये अर्श है डायनासोर हाथ लेके। चलो अर्श आपकी वीडियोस देखते हैं, ये उसकी टेल है। चलो आपकी वीडियोस देखते हैं अर्श। ये अर्शदीप अपना स्कूल का असाइनमेंट कर रहे हैं। अर्श कौन सा असाइनमेंट कर रहे हो? मैथ्स। मैथ्स में क्या कर रहे हो आप? बैकवर्ड काउंटिंग। अर्श की मम्मा उसकी हेल्प कर रही है। अर्श व्हाट कम्स बिफोर 27? वेरी गुड। चलो कंटिन्यू। वेरी गुड अर्श। अर्श लूडो खेल रहा है अपने चाचा के साथ। वैसे तो उसके चाचा बहुत बिजी रहते हैं, सिंगल वर्क। आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो ही इज ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम होम। अर्श चीटिंग तो नहीं कर रहे? कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है अर्श? हाँ तो फिर बच्चों तुम क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये उनो खेल रहे हो? तो गाइस ये मेरे बेटे के फ्रेंड्स हैं, आरव। आरव से हेलो। हेलो फ्रेंड्स। एंड शी इज आना। हेलो हेलो। ये सब हमारे नेबर हैं, ये दोनों हमारे नेबर में रहते हैं। और अर्श, अर्श और अर्श के पापा दोनों अभी गाड़ियों के साथ गेम खेल रहे हैं। ये अर्श का मैट है, इसके ऊपर रोड ड्रॉ हुई है और हमने अर्श के लिए मैट लिया था, इसको बहुत पसंद है। वैसे भी हम सब जानते हैं कि बॉयज़ को कार्स का और गर्ल्स को डॉल्स का बहुत शौक होता है, और सेम आप यहाँ देख सकते हो दोनों जने कितने मस्ती से खेल। फ्रेंड्स होपफुली आपको जो हमने एक्टिविटीज़ दिखाई अच्छी लगी होगी, इनमें से कई आप शायद अभी कर भी रहे होगे घर पे, और कुछ अगर आप डिफरेंट है कुछ और करते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। हम आपकी एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे और उसको अपने चैनल में दिखाना चाहेंगे ताकि बाकी लोग भी उससे इंस्पायर हो सके और बच्चों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाएँ। सो होप यू लाइक द वीडियो। साइनिंग ऑफ, टेक केयर, हैंड सैनिटाइज करते रहना, लॉकडाउन है घर पे रहो। बाय बाय। घर पे रहो, मास्क पहनो, हैंड सैनिटाइज करो, 20 मिनट 20 सेकंड्स के लिए हाथ धो। बाय बाय। बाय बाय।